एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ बिलखसूस अभी हमारे दरमियान आने वाले बरदर अज़ीज़ अज़जान हज़रत अक़दस वली कामिल पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नौमान हनफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की आमद पर मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ। इस शहर की तालीम की दुनिया के एक नाम मेरे उस्ताद हाफिज़ खालिद महमूद साहब की आमद पर उनका शुक्रगुजार हूँ और मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त परवेज़ बाजवा साहब सहाफ़त की दुनिया का एक नाम है, इब्ने आदम के नाम से मारूफ हैं और बहुत प्यारा लिखते हैं और इसी तरीके से इस इदारे के इस इलाके के बड़ी तालीमी तरबियती दरसगाह है वहाँ के जिम्मेदार भाई खावर बट साहब, इन सब हजरात का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सब हजरात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी इसी दरमियान हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं सुपीरियर कॉलेज के प्रिंसिपल उस्मान गोंदल साहब, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। जो बात मैंने शुरू में की थी वही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। एक दर्द है, एक तमन्ना है कि ज़ाते रसूल के साथ साथ बाते रसूल भी हर बच्चा जान जाए। जो भी एक मुसलमान घर में पैदा होने वाला है ना, उसको ये पता होना चाहिए। जो आपने भी मंजर देखा है, मुख्तसर सा मंजर है, ये किताब विलादत से लेके वफा तक यूं याद कर ली जाना। इस दौर में जबकि शोमिय किस्मत आपने ऐसे नमूने भी देखे हैं जिनको सूरह इख़लास नहीं आती, जिनको सूरतुल कौसर नहीं आती, ऐसे दौर में ये बच्चे जैसे सुना रहे हैं विलादत से लेके वफा तक। जजेस की कोशिश है कि इसी तरीके से कोई वो बच्चा स्लिप कर जाए, लेकिन नहीं, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपने देखा, अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आखिर में अपने बुजुर्ग हाफिज खालिद साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा, माइक पे उनको दावत दूंगा, मुख्तसर अपने तासुरात अपने तजर्बात जरा दो तीन मिनट में बयान कर दें, उसके बाद बाजवा साहब जी।